हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी एक बार फिर विवादों के घेरे में घिर गई है। सपना चौधरी, उनके भाई कर्ण और मां के खिलाफ पलवल के महिला थाने में दहेज मारपीट सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ है और ये मुकदमा सपना चौधरी की भाभी ने ही दर्ज कराया है। धारा 498A, 377, 406, 323, 506, 34 IPC के तहत FIR दर्ज हुई है। तीनों आरोपियों को DSP सत्येंद्र कुमार ने जांच में शामिल होने के लिए महिला थाना बुलाया था। इस दौरान आरोपी और पीड़ित पक्ष दोनों के वकील भी साथ रहे। DSP ने केस से जुड़े हर पहलू पर पूछताछ की। महिला का आरोप है कि हरियाणा की डांस क्वीन ने दहेज में क्रेटा कार की मांग की और कार न मिलने पर पीड़िता के साथ मारपीट की, जिसमें उनके भाई और मां ने भी उनका साथ दिया। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ऐसे में सपना चौधरी एक बार फिर विवादों में घिर गई है। इससे पहले भी कई बार सपना विवादों से भाग चुकी हैं। महिला ने आरोप में कहा कि 2018 में उसकी शादी सपना के भाई कर्ण से हुई थी। इस शादी में लड़की के परिवार ने करीब 42 तोला सोना और दहेज का बाकी का सामान भी दिया था। पीड़िता का आरोप है कि उसे बेटी हुई तो पति करण और सपना चौधरी ने दहेज के रूप में क्रेटा कार की डिमांड की। मायके वालों ने 3 लाख नकद सोना चांदी के आभूषण दिए, लेकिन ससुराल वाले सिर्फ क्रेटा गाड़ी की डिमांड पर अड़ा रहा। हम आपको बता दें कि महिला के घर वालों ने दिल्ली के जिस होटल में शादी का आयोजन किया था उसका किराया भी 42 लाख था, लेकिन शादी के बाद से ही उस पर अन्य चीजों का दबाव बनाया जाने लगा। लेकिन इस खबर पर अब तक सपना या उनके परिवार की कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ना तो सपना, ना उनके पति और ना ही परिवार के किसी सदस्य ने इस खबर पर कोई भी रिएक्शन दिया। लेकिन एक बात जरूर है, इस खबर से सपना के फैंस निराश जरूर हो गए हैं।